सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी कुछ नए ट्रिप का प्लान बन चुका है और मेरा बैकपैक एंड ट्रॉली यहाँ पे है और अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ से अभी ट्रेन है मेरा इंटरसिटी 6:30 बजे है, बट थोड़ा सा लेट है। तो यहाँ से अभी पहले पटना, देन पटना से फिर नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहें, अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है लाइफ का, तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और अभी मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बस आप लोग कंटिन्यू रहें ब्लॉग में, आप लोग खुद ब खुद पता चल जाएगा। Part 1, Part 2, Part 3 में बहुत सारे पार्ट आने वाला है। तो चलिए अब ट्रेन का वेट करते हैं और जल्दी से फिर चलते हैं पटना, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पटना अप्रोक्स पहुंचने वाले हैं 1 आवर और नींद भी आ गया था, सो गए थे। तो दोस्तों अभी पटना पहुंच चुके हैं। दोस्तों होली का बिल्कुल सुनसान है पटना, देख सकते हैं। और अभी एक नारियल पानी सबसे पहले पी लेते हैं क्योंकि प्यास लग गया है और बिल्कुल एकदम सुना सुना लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गांधी मैदान में और यहीं पे तो वेट कर रहा हूँ कि मेरा शाम में फ्लाइट है और यहाँ सब निकलूँगा। देख एक्चुअली मॉल आए थे सेंट्रल की, कुछ काम था, लेकिन देखिए सेंट्रल बिल्कुल बंद है और पटना बिल्कुल बंद है, लेकिन यहाँ पे भूख भी लग गया। तो जोमेटो सेवा ऑलवेज रेडी, तो जोमेटो से कुछ मंगाया हूँ अपना फेवरेट। पटना एयरपोर्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वेट करने बाद फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ चुका है। और अभी पटना से लखनऊ का मेरा फ्लाइट है और लखनऊ भी मैं चल रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों अभी लखनऊ पहुँच चुके हैं जस्ट 2 मिनट पहले। लखनऊ एयरपोर्ट का कुछ नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ का एक ख़ास बात है कि जस्ट एयरपोर्ट से सामने ही आपका लखनऊ मेट्रो है, तो मतलब लाइक ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत नहीं होगा, मतलब पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस। तो मेट्रो, लखनऊ मेट्रो में फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करेंगे। चलिए दिल्ली मेट्रो काफ़ी ट्रैवल किए हैं तो एक्सपीरियंस देते हैं लखनऊ मेट्रो का कैसा है यहाँ का मेट्रो। जैसे लग रहा दोस्तों कि एयरपोर्ट आ चुके हैं, मतलब एयरपोर्ट से भी तो काफ़ी क्लीन और खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। दोस्तों ये रहा लखनऊ मेट्रो का टोकन, दिल्ली का कुछ अलग था, यहाँ का कुछ अलग है। और ये रहा आपका लखनऊ मेट्रो का कुछ सीन। तो भैया पहुंच गए हैं लखनऊ के सचिवालय मेट्रो और यहां से एग्जिट कर लिए हैं। अब चलिए मिलाते हैं किसी से आप लोगों को। दोस्तों
लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाब इलाके में आ चुके हैं और एक्चुअली वर्ल्ड का फेमस है ना वर्ल्ड का फेमस है। और अभी एक लोग से आपको मिलाने वाले हैं फिलहाल, अभी रुक जाइए पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। रेल वाला भैया और ये लखनऊ की ताजा गर्मा गर्म दही जलेबी, क्योंकि तुम क्या डालते ही नहीं हमारे, हम ब्लर कर देंगे भाई। आप एक वो वीडियो बनाया इन्होंने वहाँ पे गोवा बीच पे। दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं रूम से, अब निकलने वाले हैं और हमारे भैया क्या करें, भैया कुछ बोलिए कुछ नहीं बोलना है, चलिए हम लोग रूम से निकल रहे हैं। एक हमारे इधर भैया हैं, हेलो। तो फिलहाल हम लोग का फ्लाइट है दुबई के लिए अप्रोक्स 4 बजे, अभी हम लोग रूम से निकल रहे हैं, उधर ही ब्रेकफास्ट एंड ऑल किया जाएगा, खाना वाना देन, और लखनऊ का कुछ पुराने सब मकान आपको देखने को मिलेगा। तो अभी रूम से निकल गए हैं और थोड़ा फ्रेश व्रेश होके अब एक लोकेशन पे जा रहे हैं, एक्चुअली एक क्यूने पार्ट शूट करना है और साथ में हमारे अजय भाई। हाय अभी तक आपको नहीं मिलाए थे ब्लॉग में क्योंकि अभी लखनऊ आए हुए हैं, तो अब हम लोग का यहाँ से दुबई का प्लान है, तो फिलहाल अभी कुछ काम कर लेते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करके आएंगे, देन हम लोग का सामने फ्लाइट है। तो लाइक कीजिए और दुबई का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो देखते हैं जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों से शेयर करूंगा। भैया तो हमारे एक बार और भी आ चुके हैं तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं लोकेशन पे। दोस्तों ये दुबई का नोट दिरम हमारे भैया जी से एक्सचेंज हुए, तो बताइए कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या अच्छा फील हो रहा है? 1 लाख रुपया दे दिए, थोड़ा सा नोट मिला तो हम लोग का ब्रेकफास्ट लखनऊ का फेमस क्या है? पूरी सब्जी। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं सभी लोग। तो हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। चेक इन हो चुका है और टिकट मुझे मिल गया है और सभी लोग अभी लाइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फाइनली बैग चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग सारा कुछ कंप्लीट करके अब अंदर आ चुके हैं, अब थोड़ा सा वेट करना है देन यहाँ से अब फ्लाइट होगा। तो दोस्तों बोर्डिंग शुरू हो चुका है हम लोगों का और अब चलते हैं फ्लाइट में। तो बताइए सर क्या फील कर रहे हैं? सर सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं अभी तो खा रहे थे, मजाक मत कीजिए। सैंडविच ना तब आप सर कुछ अब अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं ना, अब लग रहा है कि दुबई जाने वाले हैं। अब तक क्या लग रहा था कहाँ जाने वाले, बंगाल कुछ भी हो सकता, बंगाल हो सकता था तो चलते हैं अब। तो हम लोग क्या से जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं, पानी वाले जहाज से। अभी हम लोग हैं पानी वाले जहाज के अंदर यहाँ से जा रहे हैं दुबई, एक महीना लग सकता है, हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट इवेंट आ जाए जिस इवेंट में हम लोग जाने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग ब्लॉग में और मिलते हैं अगले महीने। तो दोस्तों ये हम लोग का नॉन वेज थाली और इधर ये वेज थाली, एयर इंडिया का फैसिलिटी काफ़ी अच्छा रहा।
तब सर तो पहुँच के कैसा फील हो रहा है? दुबई पहुँच चुके हैं और फ्लाइट का सफर शानदार था, मस्त था, मजा आ गया। और अब दुबई में हम लोग एंजॉय करेंगे, देखेंगे क्या कुछ एक्सपोर्ट इवेंट चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी और सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है और आपके लिए नई है, पहली बार मिलने वाली है। और दुबई जो क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाली है जल्दी। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में, बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। भैया आपको ही बोलना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या बहुत अच्छा फील हो रहा है? क्या अच्छा फील हो रहा है? वो बताएंगे, वो सब सीक्रेट है। ठीक है, चलिए निकलिए फिर। आप हम सीक्रेट नहीं चाहते हैं, अपने ऑडियंस को क्लियर सब कुछ बताना चाहते हैं, सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं। तब आप बताइए भैया, बहुत सारी चीजें हम नई करने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आगे देखते रहिए। बस तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही था। बाय।